आपके सामने पेश है किस्सा अंजना पवन भाग नंबर दो। पहले भाग में आपने सुना कि अंजना की सास ने अंजना को घर से निकाल दिया और वो चल के कहां के अपनी माँ के पास गई। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी कैसे आई, किसी इस तरह से मेरी सास ने मेरे को घर से निकाल दिया। तो उसकी माँ भी धक्के दे देती है कि हे बेटी, अगर जब तेरी सासे ने तू नहीं होती तो आड़ भी तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी जा कहीं पर रहे, लेकिन मैं अपने पास नहीं रख सकती। अब उसकी माँ भी दुदकार देती है और वो अंजना चल के जंगल के अंदर आ जाती है और जंगल में चलती हुई विचार करती है, वो पिछली बातें याद आती हैं और किस तरह से क्या क्या सोचती है एक बात के द्वारा क्या बता। देखे सास जड़ी न गरत कड़ी झूठे रहती है घोर अंधेरा छाया हुआ था, रात अंधेरी थी, ठोकर लगती है, झेरे में जा पड़ती है। ये कहते हैं कि भाइयों जब और लागे जब चकुर देख लगे, कैसे क्या कहानी पड़ती है अजना के साथ क्या बता रहा है। हाँ ये ईश्वर को नहीं हमती मन सहारा तेरा, डर लग से जात वीर की और जंगल घोर अंधेरा। आये ठोकर लागी पड़ी धरन में कोन दिखे चेहरा, ओए उठ के चली गुच्छी रही पट्टा कोन बेरा, बेरा ना कित आन घरी सासी कंदर लोटा में मम्मा बिना
गर्भ का डरती थी वो मन में कदे कोई ओढ़ ना बन जाओ दिन ना नजदीक आ जा। चलते चलते क्या दिखाई देता है, क्या कहानी बनती है, क्या बताए रोशनी दी दिखाई आए मार करी ही न पाठा केवा कुटिया धोर आई ओए बच्चर सी भजन में जाके चरणा में नाड़ झुकाई ओ तेरा न के सन्यासी से तेरा न के के ही सुर जाली ओ चुग चुग बाड़ी हाथ फूट के चुग चुग